गाइज, ये हमारे पास कोकू एक्सप्लोड का बॉक्स, एंड यहाँ पे हमें कुछ कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं गाइज इसमें, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। और यहाँ पे भी हमें सब फीचर्स लिखे हुए मिल जाते हैं, एंड बॉक्स की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बट ठीक है। तो जल्दी से मैं इसे खोल लेता हूँ। तो गाइज, बॉक्स में सबसे ऊपर हमें कोकू का ये नेक बैंड रखा हुआ मिल जाता है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसके अलावा हमें ये मैनुअल कार्ड मिल जाता है, एंड ये वारंटी कार्ड है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। उसके अलावा हमें यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एयर टिप्स के पेयर मिल जाते हैं, अगर आप अपने एयर फिट के हिसाब से पहनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड सिलिकन एयर टिप्स की क्वालिटी अच्छी है। उसके अलावा हमें यहाँ पे छोटा सा चार्जिंग केबल मिल जाता है, एंड फ्लैट वायर के साथ आता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी स्टडी एंड काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड माइक्रो यूएसबी है, इस टाइम में टाइप सी मिल जाना चाहिए, बट ठीक है, माइक्रो यूएसबी है तो ओके। तो गाइज, अब हम अगर इसकी बात करें, इसकी हेड यहाँ पे, वाओ, फर्स्ट इंप्रेशन में गाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका वायर यहाँ पे पूरा फ्लैट डिज़ाइन के साथ आता है, एंड ये कुछ नया चीज़ है, सारे नेक बैंड्स में इसके हेड पे यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट इसका अलग से है, तो आई थिंक ये कुछ अलग किया है कोकू ने। ओके, सो गाइज, इसे मैं कुछ दिन यूज़ करूँगा और फिर डिटेल में इसके बारे में बात करता हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं टिकट सिक्स। गाइस, ये है कोकू का एक्सप्लोर्ड नेक बैंड है बेसिकली ये, और आई थिंक इस प्राइस रेंज में इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है ना जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे एंड काफ़ी यूजेबल है। इसमें हमें ड्यूअल पेयरिंग मिलता है, देन CVC नॉइस कैंसलेशन है, इन सब के बारे में वैसे मैं आगे बात करूंगा, बट सबसे पहले मैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। तो बिल्ड क्वालिटी यार नेक बैंड की काफ़ी अच्छी है, हमें पूरा नेक बैंड ओवरऑल मैट फिनिश में आता है, एंड ये फ्लैट टाइप का वायर है, यहाँ पे नेक सपोर्ट के लिए भी फ्लैट है और जो वायर है वो भी फ्लैट है, तो लाइक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बात है, फ्लैट है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, टूटेगा नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। मैं आपको दिखाऊं अगर इसे ऐसे मोड़ के, तो यार बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसे मैं अभी 5-6 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। इसकी साउंड क्वालिटी यार कमाल की है। इसमें हमें 10 mm का ड्राइवर मिलता है एंड साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वैसे उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, बट उससे पहले यहाँ पे अगर मैं इसके एयरपीस की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इसके सिलिकन टिप्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। थोड़े और बेटर हो सकते थे बट ख़राब क्वालिटी की बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा हुक मिल जाता है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, अगर आप चाहो तो इसे आप निकाल भी सकते हो, और अगर नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, एक्स्ट्रा सपोर्ट रहता है, गिरेगा नहीं, कानों को काफ़ी अच्छे से सील करता है। अगर आप ये पहन रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 90% तक का आवाज़ कटआउट हो जाता है, ये एक अच्छी चीज़ है, हर चीज़ एनहेंस हो जाता है, अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो या म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, हर चीज़ एनहेंस हो जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है, सील काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि अगर उतना सील कर रहा है तो आपको बिल्कुल डिसकम्फर्ट टाइप लगे, काफ़ी कम्फर्टेबल है, तो कम्फर्ट के मामले में काफ़ी बढ़िया है। इसमें हमें ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैंने इसे जितना बार भी ऑन करके कनेक्ट किया हर बार ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जा रहा था, काफ़ी अच्छी चीज़ है। 10 मीटर का ब्लूटूथ रेंज है, काफ़ी है। उसके अलावा इसमें हमें IPX5 वाटर एंड स्वेट रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, एंड अगर आप जिम वगैरह करते हो या थोड़ा बड़ा पानी वानी वाला ऐसा कुछ सीन है तो यार कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस नेक बैंड में सब चीज़ झेल लेगा। मैं ये पहन के जिम विम गया था, मुझे काफ़ी लाइक कंफर्टेबल लगा। थोड़ा सा हैवी है, लाइक इस प्राइस रेंज में इतना ही आपको हैवी या इससे थोड़ा और ज़्यादा हैवी मिलेगा, बट यस, अगर आप पहनते हो तो आपको लगेगा कि आपने अपने गले में कुछ टांगा हुआ है, बट उससे गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज कर जाओ, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। कोकू ने इसमें एक चीज़ अलग की है, सारे नेक बैंड्स में मैंने अब तक जितना यूज़ किया है, इसका जो ये हेड होता है ना, यहीं पे म्यूज़िक कंट्रोल का सारा ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे इसके हेड में कुछ भी नहीं है, बस कोकू की ब्रांडिंग है, एंड हेड की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल मैट कलर में है। बट उसके अलावा वायर में हमें सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, और वहीं अगर मैं कंट्रोल्स की बात करूँ तो अगर आपको प्ले पॉज करना है तो सिंगल टैप से हो जाएगा, अगर आपको वॉइस असिस्टेंट एनेबल करना है तो आप थोड़े देर होल्ड करके रखोगे इस किडिल वाले बटन को तो वॉइस असिस्टेंट एनेबल हो जाएगा, या सीरी या गूगल असिस्टेंट जो भी है आपके फ़ोन में। उसके अलावा फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना है तो आप थोड़ी देर प्लस को होल्ड करके रखो, फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड करना है माइनस को होल्ड करके रखो, बैकवर्ड हो जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम अप डाउन करना है, प्लस माइनस दिया हुआ है वॉल्यूम अप डाउन के लिए, यूजुअली जैसा होता है।
होता है, तो बटन्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, काफ़ी क्लिकी है। वहीं पे यहाँ पे हमें माइक्रोफोन भी देखने को एक मिल जाता है। एंड गाइस, कॉल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसी में एक फ़ीचर की बात कर रहा था, इस प्राइस रेंज के नेक बैंड्स में ना ज़्यादा फीचर नहीं होते हैं, इसमें जो फीचर है CVC का, इसमें CVC नॉइस कैंसिलेशन है। अगर आप कॉल में बात कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ओवरऑल नॉइस काफ़ी अच्छे से कैंसिल करता है, सामने वाले को आपका आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। यहाँ पे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग करके रखा है, आप एक बार सुन लो, आप खुद ही देख लो इसकी माइक की क्वालिटी। तो गाइस, अभी ये कोकू एक्सप्लोड से कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें CVC नॉइस कैंसिलेशन है, कॉलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना कि आपको इसकी कॉल क्वालिटी कैसी लगी। तो गाइस, आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स पे कि आपको माइक की क्वालिटी इसकी कैसी लगी। उसके अलावा अगर मैं इसके साउंड की क्वालिटी की बात करूं तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है। अगर आप एक हैवी बेस वाला नेक बैंड ढूंढ रहे हो तो आई थिंक ये नेक बैंड काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हमें इसमें 10 mm का ड्राइवर मिलता है। लाउडनेस काफ़ी है, आप इसे फुल वॉल्यूम में गाइस नहीं सुन पाओगे। एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस लगी, मैं 80% में सुन रहा था एंड काफ़ी प्लीजेंट था। फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसीज वाले जो गाने होते हैं कानों में चुभेंगे नहीं। ट्रेबल काफ़ी अच्छा है एंड सबके हिसाब से बेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपके कानों को काफ़ी अच्छा सील करता है, म्यूज़िक में एक एनहैंसमेंट हो जाती है। तो म्यूज़िक के लिए अगर आप ये लेना चाहते हो, या अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम ज़्यादा करते हो, अगर आप नेकबैंड लेने का सोच रहे हो या कॉलिंग के लिए नेकबैंड लेने का सोच रहे हो ना यार, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा चॉइस होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें एक CVC नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। ये फीचर बहुत सारे नेकबैंड्स में मिसिंग होती है। उसके अलावा इसमें हमें डुअल पेयरिंग भी देखने को मिलती है, एक साथ आप दो डिवाइसेस से कनेक्ट करके रख सकते हो। आपको स्विच करना है कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट करके रखे हो, देख रहे हो कुछ आपके फ़ोन में अगर कॉल आता है या कुछ आपके फ़ोन में यूज़ है तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ड्यूअल पेयरिंग बहुत सारे नेक बैंड्स में मिसिंग होती है एंड कोकू ने इस प्राइस रेंज में इसमें ड्यूअल पेयरिंग दिया है, CVC दिया है, काफ़ी बड़ी बात है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगी, वो है इसका बैटरी बैकअप। कंपनी क्लेम करती है कि 16 घंटा का बैटरी बैकअप मिलता है एंड गाइस कम ऑन, इस प्राइस रेंज में 16 घंटा का बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा है। मैं अभी इसे 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अभी तक एक बार भी इसे चार्ज पर नहीं लगाया है। आउट ऑफ द बॉक्स 100% था। और अभी मैं बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करता हूँ, टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, 2-3 दिन मैं बाहर गया हुआ था, तो मैंने उस टाइम भी यूज़ किया। कॉलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देता है। आपको इसमें आराम से 12 से 13 घंटा का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपके वॉल्यूम्स पे, आप कितने वॉल्यूम पे सुन रहे हो, बट 12-13 घंटा मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको बैटरी बैकअप आराम से देखने को मिलेगा। और इस प्राइस रेंज में 12-13 घंटे की बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा होती है गाइस, आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, बट डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा वॉल्यूम में इसे सुनते हो। उसके अलावा अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 45 मिनट का प्लेबैक मिलेगा, क्विक चार्ज है। हाँ, माइक्रो USB है, सिर्फ टाइप सी नहीं है इस प्राइस रेंज में। अब कंपनियों को टाइप सी में स्विच कर जाना चाहिए, बट ठीक है, माइक्रो USB है, अब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ओवरऑल मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आप इसे नेक में लगाते हो तो एक अच्छा सिक्योरिटी मिलता है। मैग्नेट वाला कुछ फंक्शंस तो नहीं है, बट काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी है एंड ईयरपीस की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं लेटेंसी की बात करूँ तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपको PUBG आप खेलते हो, काफ़ी सीरियस हो गेमिंग को लेके, तो लेटेंसी मैं आपको सुना देता हूँ, आप खुद ही देख लो इसकी लेटेंसी कैसी है। तो गाइज हाँ, लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस गेमिंग करते हो तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बट उसके अलावा कॉलिंग के लिए, मल्टीमीडिया यूजेज के लिए एंड कैजुअल गेमिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है। तो ओवरऑल गाइज मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा नेक बैंड है। आपको अमेजोन पे अभी ये $1399 में मिल जाएगा, जो भी प्राइस होगा मैं यहाँ पे दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। एंड गाइज मैं सेफली आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप एक नेक बैंड चाहते हो कॉलिंग के लिए, मल्टीमीडिया यूसेज के लिए, काफ़ी अच्छा नेक बैंड है। सो गाइज इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।